बाबा ये जो बम्बई हाईवे पे, जो मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो रील बना रहे हैं बालक, जाके क्या कहना चाहते हैं भाई? इनके बारे में हम बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करना चाह रहे हैं। मैंने खुद ने देखी, लड़की रोक बनकर गाड़ी ने रोक रही, लड़की बनकर रोक रही, अच्छा, लड़की ने कपड़ा पहन के, लड़का कपड़ा पहन के हाँ। और वो गाड़ी रुकी, रो गाड़ी वाला पीछे लाठी लेकर भगे, मैंने खुद ने देखी। तो कितनी शर्म की बात है, मैं बात की कितनी शर्म की बात है। गंदे गाने भर रहे हैं, गंदी वीडियो छोड़ रहे हैं, नंगी लड़की छोड़ रहे हैं। तो मैं तो करो भाई, हाथ जोड़े से अपील है, इन बुराइयों से बचे। बाबा त्योहार दौर में भी इस तरह की, हमारे दौर में कुछ ऐसा होना ना दो कभी, कुछ ना देखो कभी भी ऐसा। अब ज्यादा हो रही है, अब ज्यादा हो रही है, कई साल से बहुत ज्यादा हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे बढ़ती रही तो कहां हालात होंगे हमारे? भाई जो कमांडो ही बहुत बड़ी अपील कर रहा हूँ दुनिया से, बहुत ज्यादा हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ, हम तो नौकर हैं, या को सब या को साथ दो, बहुत बड़ी सेवा करो पब्लिक की बहुत ज्यादा। बाबा क्या नाम है? कबीर अहमद है मेरा नाम। कबीर गांव कौन सा है? रोजपुर नंबर। बाबा एक बात बताएं, आपके ज़माने में जिस तरह से समाज में लोग गाने गाते थे और आज के गाने गाते हैं, ये अलग है या मतलब एक जैसे? पहले में राज में तो काफ़ी डिफरेंस है। पहले जो गाने गाते थे, मीरासी गाते थे, वो सादा सिंपल गाने गाते थे। सादा सिंपल गाने। आज तो गाने की अगर देखा जाए तो वो गाने ही नहीं है, वो तो सारे बेहुरमती बेइज्जती के सारे अल्फाज हैं उनमें, अगर उनको सुना जाए तो कोई घर में अगर आदमी कोई नहीं सुन सकता, रास्ते में नहीं सुन सकता, इतने अश्लील गाने हैं उनको तो। ये तो इन लोगों ने पता नहीं क्या अपना एक वो बना रखा खाने कमाने का, और ब्याही पे पूरे उतरे पड़े हैं। इतना हमारे यहाँ मेवात का एक कल्चर था, एक दूसरे की इज्जत करते थे, पहले शर्माते थे, आज वो शर्म हया नहीं रही। और रही इन बातों से ही नहीं, जो ये बातें चल रही है अश्लीलता के फोटो वोटो करने, ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया, इस पर हर बच्चा मोबाइल से टच है, उनसे तो हमारे बच्चों में बिगाड़ आ ही रहा है। जो बुरी बातों को देखेंगे सुनेंगे तो बच्चों में तो बुराई फैलेंगी। अब पहले ये था नहीं मोबाइल का दौर, लेकिन अब क्या है, अब बूढ़े बड़ों को भी कोई शर्म नहीं है। कहा तो बुराई इतनी आम हो गई कि भाई जुआ खेल रहे किसी से कोई शर्मा ही नहीं रहा। पहले एक बूढ़े बड़े को अगर कोई देख लेता तो दौड़ लगा देते, कोई दो चार आदमी कोई गलती भी ऐसी करते थे तो किसी गलती करने की जरूरत नहीं थी। बाबा अगर हमारा समाज अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या हालत है हमारे? देखो हम ये सोचे कि भाई मैं सेफ हूँ, ये चीज़ तो सोचनी नहीं चाहिए हमें। सबको सबके बच्चों को अपना बच्चा समझना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे भी कल को हम इनके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं बच पाएंगे। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज में कैसे सुधार हो, इन बुराइयों से कैसे बचाया जाए, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा की तरफ ले जाया जाए, शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाया जाए बच्चों को, और उनको उनके माओ बहुत से मिलकर भी उनको जागरूक किया जाए कि भाई तुम्हारा बच्चा ऐसे कर रहा है, उनको समझाएं, प्यार से समझाएं। अगर प्यार से ना समझें तो फिर जैसी कोई बात हो वैसी कार्रवाई करें, प्रशासन से मदद लें कि ताकि बुराई रुक जाए। जब बुराई रुकेंगी तो वही माँ बाप दुआ देंगे कि भाई मेरा बच्चा सही हो गया। तो यही हम कहना चाहते हैं, जो हिदायत भाई ने मुहिम चलाई है ये कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं है, ये तो एक समाज सुधारक मुहिम है भाई। समाज सुधरे कैसे सुधरे, और हमारे बच्चे कैसे आगे तरक्की करें, क्या मेवात में अच्छे क्वालिटी के बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे टैलेंट है, बच्चे टैलेंट रखते हैं खूब, लेकिन बात क्या है बुराइयाँ अगर रहेंगी तो वो टैलेंट सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो यही है हमारा, यही अपील करते हैं हम तो जनता से भी, हिदायत भाई से भी कहते हैं कि भाई आप इस मुहिम को जल्दी से जल्दी चलाएं जासू, और ये हमारी जो बुराइयाँ ये हमारी बुराइयाँ ख़त्म हों और हम इस पर काबू पा सकें। गांव गांव में चाहे नुक्कड़ सभा करें, चाहे बिरादरियान तौर पर गांव में एक इकट्ठे कर कर उनको समझाया जाए कि भाई अपना गांव में एक मुहिम चलाओ, गांव में से कमेटी बनाओ, तो ऐसे बुराई रुक जाएंगी। मेरे गांव में पहले हुआ था, कमेटी बनी थी, हमने काफ़ी बुराइयों पर रोक लगाई थी, लेकिन होते हैं कुछ लोग ऐसे भी भाई जिनको कुछ रास नहीं आती पॉलिटिकल उसके तौर से, हम उसमें काफ़ी सफल हुए थे और लोगों ने हमसे सबक लिया था कि भाई हम भी ऐसा करें। कई गांवों में ऐसी मुहिम चली हमारे गांव को देख देख कर, यानी हिदायत भाई को पता है, हिदायत भाई ने जब शुरुआत की थी हमने फिर वो जब चलाई थी ये मुहिम तो गांव में अच्छा रिजल्ट मिला उसका। ठीक है दोस्तों, जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा, बाबा ने भी बताया और कमांडो हिदायत खान ने भी जो है आप लोगों से अपील की है, मेवात में जिस तरह से समाज में आप लोग फहड़ता अश्लीलता फैला रहे हैं, अब आपको बंद करना होगा। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आप लोग जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आप लोग जो है मुंबई एक्सप्रेस वे पर जाकर जो है आप लोग रील्स बनाते हैं, वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है, इसलिए आप लोग सावधान रहें, अलर्ट रहें। आप लोग जो है समाज में
एक अच्छा काम करने की कोशिश करें और समाज को बेहतर बनाने के लिए आप लोग आगे आएँ। फिलहाल आप लोग देखते रहें DNA मेवात और राइट इंडिया न्यूज़।